काफी मन्नत देखने में एकदम जन्नत जैसा है। मेरे को तो नॉर्मल लगा, मतलब मैं मेरी एक्सपेक्टेशन है ना कुछ ज्यादा ही थी। मैं गया, मैंने देखा शाहरुख खान का घर है, बगल में और बड़ी बिल्डिंग थी, मैंने कहा यार ये तो इससे बड़ी बिल्डिंग है। तो क्या शाहरुख खान का घर है। मैं मतलब कोई पूछता है कहाँ से बिलोंग करते हो तो मैं कोटा बोलता हूँ, बिकॉज ज्यादातर लोग कोटा जानते। तो उसमें मैंने जब अपना लोकेशन मुंबई देखा तो शुरुआत में मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत अच्छा लोकेशन मिल गया, थोड़ा डर भी था क्योंकि मैं अपने घर से इतना दूर कभी गया नहीं था। एक 11th क्लास का बच्चा, एक जो 10th पास किया है, वो अचानक से कोटा पहुंच जाता है घर वालों से दूर। ये IIT का सपना ये कब से देखना स्टार्ट होते हैं, अभी घर वाले दिखाते हैं खुद से देखना स्टार्ट हुआ था। इसमें मैं यूपी बिहार वाले जो बच्चे होते हैं ना उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। तो कोटा में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, दाल मतलब पानी है वहाँ पे। आपके बच्चे को 11th 12th यहीं से करा देंगे, एक स्कूल है जान पहचान के, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ स्कूल्स में होता है कि 11th में आपको मतलब पेपर भी देने नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ था कि उसने सुसाइड कर लिया था, उसने सुसाइड कर लिया था, नोट पे लिख दिया था कि मैं अपने मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया, ऐसा करके उसने बड़ा सा नोट लिखा था, उसने सुसाइड कर लिया था। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चा मतलब इमोशनली वीक है NIT में होने के बाद, NIT में होने के बाद, बिकॉज IIT में नहीं हुआ। एक तरीके से मैं कहूँ कि गाँव का बच्चा पहले मुंबई गया और अब बैंगलोर के अंदर है, क्या डिफरेंस है वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में। हाँ, और मेरे को कोई एक्टर मिल जाएगा रास्ते में चलते चलते, ऐसा मुझे तो मुझे ऐसा फील आ रहा था। लिटरली मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा था जो मैंने कभी नहीं देखी थी लाइफ में। वीडियो कॉल करता था घर वालों को, दिखाता था कि देखो ऐसी भी दुनिया है, ऐसे भी लोग हैं। मरीन ड्राइव पे जाके करता था, ताज पे, सब जगह मतलब मैं घुमाऊँ। मुंबई तो मैं इतना घुमाऊँ क्योंकि फर्स्ट टाइम था जब मैं छोटे शहर से बड़े शहर आया था, तो एकदम मतलब अलग लेवल पे मैं मतलब सिटी का जो चार्म था ना वो मेरे दिमाग पे एकदम चढ़ गया था। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम झकास। तो आज हम सेकंड हमारा जो बातचीत वाला पॉडकास्ट है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला जो पॉडकास्ट था तो इसी, क्योंकि हम PG में रहते हैं, स्टैंजा लिविंग बिल्बो हाउस, तो इसी PG के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि एको इंश्योरेंस में काम करते हैं, उनके साथ रिकॉर्ड किया था। एक कहानी जानी थी मैंने कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी क्या होती है या उनकी कहानी किस तरह से थी। आज मेरे साथ नवीन अग्रवाल हैं जो कि डेलॉइट के अंदर कंसल्टेंट है। मेरे से बेहतर नवीन अपने बारे में खुद बता पाएंगे कि नवीन क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या प्लान है। नवीन, तो मेरा नाम जैसा कि इनने बताया नवीन अग्रवाल है। ओके, तो मैं अभी फिलहाल तो कंसल्टेंट हूँ डिलोइट में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ झालावाड़ से, विच इज़ बेसिकली इन राजस्थान। मैं मतलब कोई पूछता है कहाँ से बिलोंग करते हो तो मैं कोटा बोलता हूँ, बिकॉज ज्यादातर लोग कोटा जानते हैं। कोटा पास है क्या वहाँ से? कोटा काफी पास है वहाँ से। कोटा वहाँ से 70-80 किलोमीटर है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए, और इसके अलावा मैं मतलब डिलोइट में तो मैंने अभी यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन किया है, 6 महीने हुए मुझे बैंगलोर आए। तो बैंगलोर में डिलोइट की वजह से ही आया हूँ। इससे पहले मैं मुंबई में था और उसके बाद मैं गुड़गांव में था, फिर मैं बैंगलोर आया। तो मैंने अपना करियर, प्रोफेशनल करियर मैंने मुंबई से स्टार्ट किया था। तो, सपनों की नगरी। हाँ, तो काफ़ी एक्साइटिंग था एक्चुअली। मतलब मैं तो प्लांट एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल में किया है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कोई प्लांट समथिंग मिलेगा इन भोपाल, मतलब इन मध्य प्रदेश, NTPC टाइप्स। हाँ, मतलब कुछ ऐसी कोई कंपनी मिलेगी। मुझे कंपनी तो ऑटोमोबाइल ही मिली थी, दैट इज प्लांट उनमें थे, मतलब दैट ऑप्शन वाज आल्सो अवेलेबल, बट दे प्रोवाइडेड मी मतलब द जॉब इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो मुझे जब ऑफर लेटर आया था, जो मतलब प्रॉपर जब लेटर आता है अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसमें मैंने जब अपना लोकेशन मुंबई देखा तो शुरुआत में मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत अच्छा लोकेशन मिल गया, थोड़ा डर भी था क्योंकि मैं अपने घर से इतना दूर कभी गया नहीं था। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं भोपाल से दूर जा रहा था, मतलब भोपाल इज द मैक्सिमम लिमिट जितना दूर मैं गया था। और आपके घर से भोपाल कितना दूर है? मेरे घर से भोपाल 250 किलोमीटर से बस। ठीक है, मतलब एक 250 किलोमीटर की रेंज थी जिसके अंदर आपको लगता था कि या, क्योंकि मेरे घर से पास हूँ मैं, कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत घर पहुँच सकता। बस मैं तो बहुत पास था, तो मतलब मैं शुरू से पास ही रहा था। तो एकदम से मैंने लेटर पे जब मुंबई देखा तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि यार काफी दूर जा रहे हैं। और ऑफकोर्स मैं अकेले ही जाना पसंद किया, मतलब मैं फैमिली को नहीं लेके गया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना फैमिली के साथ, को भी साथ में फैमिली ड्रॉप करके आया, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था। फैमिली मुझे कोटा तक ड्रॉप करके गए थे। उनके भी लिमिट है क्या? तो वो लोग कोटा तक आए थे। तो कोटा में मेरे को मेरे चाचा, मम्मी और पापा, तीन लोग थे, मैं था। तो मेरे को एकदम फिल्मी सीन हमारा बेटा। हाँ, तो मैं ऐसे लिटरली मैं ट्रेन से ऐसे बाय बाय कर रहा था। तो वहां से फिर मैं स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। फिर मैं मुंबई में लैंड हुआ था 1st अगस्त को, 1st अगस्त 2021।
ओके तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था. मैं फर्स्ट जोगेश्वरी गेस्ट हाउस में रुका था. जोगेश्वरी इज अ वेरी पॉश प्लेस इन मुंबई. तो वहां पे 15th फ्लोर पे मेरा फ्लैट था, तो बहुत ही अच्छा. और मुंबई में तो ऐसा कहते हैं कि जितने माले की माला कहते हैं ना वहां पे, हां माला फ्लोर्स को, तो जितने माले पे आप ऊपर रह रहे हो उतने आपकी शोहरत जो है बढ़ती ही रहती है. एक्चुअली जब मैं वहाँ पे गया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे को मतलब ये प्रिविलेज मिला था कि मैं 15th फ्लोर पे वहाँ पे मेरा गेस्ट हाउस था कंपनी का. VCV वॉज द कंपनी, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स. तो उन लोगों ने हमें 15th फ्लोर पे रखा था. तो देर वॉज अ ब्यूटीफुल व्यू. मतलब जब आप बाहर जाके देखते थे ना, तो आपको फील होता था कि आप मुंबई में हो. सो दैट फील वॉज देयर. एंड ऑल्सो मतलब जब आप जैसे वहाँ पे AC था, ऑफकोर्स AC तो हो गई, काफ़ी पैसा लगाया था कंपनी, बट हम ऐसे यूज नहीं करते थे. जस्ट वहाँ पे आप खिड़की खोल दो, दैट इज सफिशिएंट. मतलब इतनी प्यारी क्रॉस वेंटिलेशन इतनी, हाँ इतनी प्यारी हवा आती है. जितना ऊपर जाते हो ना, समंदर भी दिखता था वहाँ से? नहीं, वहाँ से समंदर नहीं दिखता था, बिकॉज द जहाँ पे जो गेस्ट हाउस था ना, वो ज्यादा वेस्ट में नहीं था, वो ईस्ट में, जोगेश्वरी ईस्ट में था. अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, पर जो भी व्यू था ना बहुत प्यारा था. ठीक है, मुझे एक बात बताइए. आपने कहा कि आप झालावाड़ से हैं, जो कि कोटा के पास आते हैं, और कोटा इज फेमस फॉर इंजीनियर्स की वो, कि अगर आपको इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कोटा जाना होगा. आपने भी इंजीनियरिंग की है? बिल्कुल. कोटा गए हैं आप भी? कोटा गया हूं मैं. मुझे ये पहले तो ये जानना है, मैं अभी के करंट सिनेरियो में बाद में आऊंगा. मुझे ये जानना है कि 10th क्लास का एक बच्चा जो कि बहुत छोटा होता है, उसको नहीं पता होता दिन दुनिया का कि किस तरह से होगा, क्योंकि सारी चीज़ें घर वाले खुद से कर देते हैं. एक लिमिटेड एक एरिया होता है, जैसे आपने कहा कि मेरी एक लिमिट थी भोपाल से आगे. तब तो 10th क्लास के बच्चे की लिमिट भोपाल भी नहीं होगी, है ना, 250 किलोमीटर लिमिट नहीं होगी. उस बच्चे की जो लिमिट होगी वो 50 किलोमीटर, मैक्सिमम 100 किलोमीटर, है ना, इस एज रेंज के अंदर. एक्सेप्शन कुछ होते हैं अलग से, लेकिन इस रेंज के अंदर मोस्टली सारे बच्चे इस रेंज में रह जाते हैं. एक 11th क्लास का बच्चा, एक जो 10th पास किया है, वो अचानक से कोटा पहुंच जाता है घर वालों से दूर, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे उसको IIT या फिर जो BTech के लिए कि कहीं से भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपको प्रिपेयर करना है, प्लस आपको 11th क्लास में मैनेज करनी है, 11th-12th क्लास में मैनेज करनी है, प्लस आपको अपना जो मेन जो बेसिक हाउस होल्ड वाली चीज़ें होती है, चाहे खाना हो गया, चाहे नॉर्मल प्रेस व्रेस करना हो गया, नहाना धोना हो गया, सफाई वगैरह हो गया, खाना हो गया, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं, तो वो लाइफ कैसी होती है? हाउ डू यू थिंक लाइक इनिशियल डेज ऑफ कोटा, व्हेन यू रीच्ड कोटा, कैसे थे, कि कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था कि बस छोड़ छाड़ के चलता हूँ, मुझे नहीं करना, क्या करना है, ऐसा कुछ कुछ भी ऐसा? हाँ मैं बताता हूँ. तो कोटा का मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था 10th के बाद. एक्चुअली मैं 10th में काफ़ी अच्छे ग्रेड्स मेरे को मिले थे, तो मतलब कोई भी अगर नॉर्मल कोई किड होता है और वो 10th में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो घर वाले चाहते हैं, इफ़ अगर वो मैथमेटिक्स लेता है तो घर वाले चाहते हैं वो IIT में जाए, दैट्स ऑफ कोर्स. और क्योंकि मैं कोटा के बहुत पास था, तो वो तो कोटा तो कोचिंग सिटी है, तो मेरे को तो घर वालों को भेजना ही था किसी भी हालत में, भले से वो कैसे भी. क्या आपने रेजिस्ट किया था कि मुझे कोटा वोटा नहीं जाना है, या फिर यू वर लाइक नहीं मैं जाना है? मैं उसमें था, मतलब मुझे जाना है कोटा. अच्छा, यू वर एक्साइटेड? हाँ, मतलब मेरा पूरा था कि IIT में अपन को क्रैक करना है, निकलना है और जाना है. तो मैंने ज्वाइन किया था, मैंने कोटा ज्वाइन किया था April 2014 में. तो मेरे को ये फिक्स था कि I have to take the मैथ्स एज माय सब्जेक्ट. तो मैथ्स मुझे लेना था. तो फिर मैं जब आगे मैंने दोस्तों से पूछताछ करी, मतलब बाकी लोगों से पूछा, रिलेटिव से भी पूछते घर वाले, तो सबने बोला कि इसको IIT कोचिंग कराओ, इज अ ब्रिलियंट गाय, मेरे ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे. तो सबने बोला कि इसको यहाँ पे ऐसे वेस्ट मत करो टाइम, इसको IIT की कोचिंग कराओ. अब मेरे एक बहुत अच्छे उस टाइम पे एक टीचर होते थे जो मेरे मेंटर थे, तो उनने मेरे को बोला कि तुम IIT की कोचिंग करो. तो उनने बोल दिया, मतलब मेरे लिए हुकुम हो गया वो. तो मैंने सोच लिया कि अब तो वही करना है. तो मैं घर वालों से बोल दिया कि मुझे जाना है कोटा. क्या अभी आप उस टीचर से सलाम मशवरा करते हैं, कुछ फंसते हैं तो? अभी बहुत, वो के काफी एजेड थे उस टाइम. अच्छा. उनकी एज 70 कुछ थी, तो अभी इतनी बात नहीं हो पाती है, पर उस टाइम पे होती थी. अच्छा. ना वो मतलब काफी बूढ़े हो गए, घर जाना होता है तो. हाँ, कभी कभी मैं जाता हूँ मिलने, त्योहार पहचान पाते हैं आपको. हाँ बिल्कुल. अच्छा. तो उनने कहा था, तो मैं चला गया था, मतलब फिर मैं कोटा चला गया था. हाँ. तो मेरे पापा ने काफ़ी रेसिस्ट किया था, उन्होंने बोला था कि नहीं यार, क्या मतलब मतलब यहाँ से सिंपल स्कूल ही कर ले, अभी कोचिंग 13th में कर लेना. एक्चुअली क्या होता है कि 12th के बाद ड्रॉप करके कोचिंग करते हैं एक्स्ट्रा फॉर IITs. हाँ. तो वो भी मेरे पास ऑप्शन था, पर मैंने कहा मैं 11th में जाऊँगा. हाँ.
आपने एक बात बोली थी कि बच्चे कैसे मैनेज करते हैं, तो उसमें मैं यूपी बिहार वाले जो बच्चे होते हैं ना उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। हाँ। वो लोग मतलब 10th क्लास में सोचो यूपी बिहार से वो कोटा आ जाते हैं। हाँ। और इतना प्यारा मैनेज करते हैं, मतलब मैं उस टाइम पे रहता था रेजोनेंस में। हाँ। मतलब मैंने रेजोनेंस ज्वाइन किया था, तो वो लोग मतलब 11th क्लास में आ जाते हैं मैक्सिमम यूपी बिहार के जो भी लोग होते हैं जिनको आईआईटी में जाना होता है, दे जॉइंड इन 11th क्लास ओनली। फिर आने के बाद वो लोग मतलब ऐसे रहते हैं जैसे मतलब उनके लिए ये रूटीन ही है। हाँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे उनको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम एक टाइम पे ऐसे जाओगे 11th में। हाँ। और तुम्हें ऐसे रहना है। हाँ। तो वो लोग ना काफी हार्श कंडीशन में रह के, मतलब कोटा में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, दाल मतलब पानी है वहाँ पे। वहाँ पे वो लोग सस्टेन करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और लिटरली आईआईटीज में सेलेक्ट होते हैं, बहुत यूपी बिहार के लोग सेलेक्ट होते हैं। हाँ। तो मैं उनको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा यहाँ पे इस पॉइंट के लिए। हाँ। मैं बिल्कुल पास से था झालावाड़ से। हाँ। पर मैं जब कोटा गया तो मैं इतना ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पाया था। हाँ। जो वहाँ की कंडीशंस थी, पर वो लोग काफी अच्छा करते थे, तो मैं उनको इस मामले में अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उसके बाद अब मैं मेरे पे आता हूँ, तो मैंने अप्रैल में मैं कोटा गया था। खाने के उसमें भी लगता था कि जब लेट्स से जब आप पहली थाली आई होगी आपके सामने। हाँ। चलो अब तो ये खाना। अब एक होता है मम्मी के घर के हाथ का खाना जो प्रॉपरली, क्योंकि माँ तो माँ होते हैं, अच्छा खाना मिलता है आपको। फिर आप जाते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप अपने सपने के लिए गए हैं। हाँ। लेकिन एक जो बेसिक रूटीन लाइफ स्टाइल होता है, मुझे लगता है कि जो हमें जीना चाहिए वो भी हम उसको त्यागते हैं। बिल्कुल। उसमें आपको खाना मिलता है आपको एक पतली सी दाल जिसके अंदर दाल के पीसेस नहीं होते, सिर्फ पानी होता है। तब तब क्या तब ख्याल आता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब तो हम मेच्योर हैं, समझते हैं चीजों को, ये चीजें हैं। उन दिनों तो बचपना होता है। हाँ, उन दिनों तो कुछ जानते भी नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि सबसे पहला तो इतना एक्साइटमेंट रहता था आईटी में सेलेक्ट होने का, और जो ये मतलब जो मेहनत बहुत करते थे लोग, मैं भी काफी करता था, लोग काफी करते हैं जो भी जाते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अ जॉक इफ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर होम और वहाँ पे जाके आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सेलेक्ट होना है। तो फिर खाना पे मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो कंसंट्रेट करते हैं। हम लोग खाना बस खाने के लिए खाते थे कि खाना है। हाँ। बस इतना मतलब कभी सोचा ही नहीं कि मतलब इसमें दाल में पानी दे रहा है या फिर सब्जी कैसी दे रहा है। मैं मेरा बता रहा हूँ, लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ। मैंने मैस लगाया, वो लोग खाना देते थे बस। हाँ, ये कि बहुत ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। हाँ। ज्यादा मेरे को खाने में नहीं आ रहा, मतलब आई कांट, मतलब जा ही नहीं रहा अंदर, तो बाकी मैं खा लेता था। और मैंने जाते जितने भी लोग वहाँ देखे थे ना, मोस्टली पीपल मेरी कैटेगरी में आते थे। हाँ, ऐसा होता है कि वहाँ मैसेज काफी टाइप्स की होती है, कुछ आपको 2000 की मिल जाएगी पर मंथ, 3000, 4000, 5000, so according to your budget, आपको उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से खाना मिलेगा। जितना मैं उनके यहाँ खाना खाता था, तो दैट वाज अ प्रिविलेज फॉर मी, तो वो बहुत अच्छा था, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। पर हाँ, मेरे को कुछ पार्ट में दिक्कत आई थी, क्योंकि मैंने कहीं और मूव कर लिया था बीच में। हाँ। तो वहां से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैं मैस ज्वाइन किया था, तो वहां मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी। ठीक है। बाकी मैं कोटा के पास से हूँ, तो मुझे ये प्रिविलेज मिला था कि हाँ, मेरे रिलेटिव्स थे और उनके यहाँ मैंने खाना खाता था जाके। तो ये पढ़ाई कैसे मैनेज की कि चलो आप एंट्रेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। हाँ। और साइड बाय साइड आप 11th और 12th क्लास के लिए भी पढ़ेंगे। हाँ जी। क्योंकि जब कोई भी जो बच्चा होता है जो स्कूलिंग में होता है, तो उसके लिए पास एक बेसिक एक टारगेट होता है कि उसको ये वाली क्लास के लिए पढ़ना है और उसको अच्छे से क्लियर करना है। बिल्कुल सही। रैंक्स में अगर वो आना चाहे तो मतलब कोशिश तो करते हैं हर बच्चा, वो आएगा और अगला आगे बढ़ेगा। लेकिन क्लासेस के टाइम पे, स्कूलिंग के टाइम पे, अगर बच्चे के अंदर एक चीज़ और एड ऑन हो जाए जो उसके आगे का फ्यूचर है, मतलब वो ये भी सोच सकते हैं तो टाइम है 11th क्लास के बच्चे को, लेकिन अभी तो टाइम है ना, इस साल होना ना अगले साल होना, अभी तो टाइम है, तो 11th का पढ़ते हैं ना अभी, ऐसे मन में कभी नहीं आता कि चलो। और मैंने ये सुना है कि जो लोग इस तरह की तैयारी कर रहे होते हैं वो 11th 12th को बहुत लाइट ले लेते हैं। मेन तैयारी जो होती है वो उसकी होती है और 11th 12th बस चल रही होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें मेरे दो थॉट हैं, ठीक है। पहला थॉट तो ये है कि जब आप किसी कोचिंग वाले बंदे से आके पूछोगे, जैसे मैं मान लो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो उससे ये सब क्वेश्चन है ना, मतलब जो कोटा जो बच्चे आते हैं ना उनके मम्मी पापा के बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हैं, बहुत पूछे आते हैं कि वो कैसे मैनेज करेगा। तो मैंने मतलब मैंने देखा है लोगों को पूछते हुए और आंसर करते हुए भी देखा है, तो मैं इसमें दो थॉट है मेरे। पहला तो ये है कि अगर आप कोचिंग वाले टीचर से पूछोगे तो वो बोलेगा कि मतलब हमारे टाइम पे ऐसा बोलते थे कि एक जैसे कोई रेस हो रही है, ठीक है, एक 10 किलोमीटर की रेस है और एक 5 किलोमीटर की रेस है। अगर आप 10 किलोमीटर की रेस के लिए तैयारी कर रहे हो तो 5 किलोमीटर तो आप दौड़ ही लोगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो कोचिंग वाले जो टीचर्स होते थे वो ऐसे एलिबोरेट करते थे पेरेंट्स को कि आपके लड़के को हम बहुत ज्यादा अच्छा सिखा रहे हैं, है ना, अगर वो उसको आ गया तो बोर्ड एग्जाम उसके लिए कुछ नहीं है। पहली बात। दूसरी ये रहती थी कि बोर्ड एग्जाम इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल एंड दिस आईआईटीज एंड ऑल आर वेरी प्रैक्टिकल, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव काफी होता है और सब्जेक्टिव होता है अपना बोर्ड का एग्जाम।
तो बच्चों क्या करते थे कि मेरे टाइम पे तो क्या होता था कि जैसे रेजोनेंस में मैं ज्वाइन किया था उस टाइम पे, अभी तो रेजोनेंस बंद हो गया है, अभी तो रिलायबल करके कोई कोचिंग खुल गई है वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते थे ना कि 11th क्लास का जब मैंने बेच ज्वाइन किया था तो उसमें क्या होता था कि बच्चों को है ना ये तो पढ़ाते ही थे IITs, और बगल में सप्ते में 2 बार सब्जेक्टिव क्लासेस देते थे, है ना। सब्जेक्टिव क्लासेस इन द सेंस उनको सप्ते में 2 बार थोड़ा सब्जेक्टिव भी बता दिया, 11th और 12th की प्रिपरेशन भी साइड साइड चल रही है कि किसी कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे आंसर उसका फ्रेम करना है, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको हर एक स्टेप को इलेबोरेट करना है, जैसे बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी होती है। तो उनको पूरा बताया जाता था कि ऑब्जेक्टिव में तो अपन 2 स्टेप में करते हैं, 1 ही स्टेप लिखा, 2 लिखा, हो गया खत्म, उसमें पूरा 8 स्टेप समझाना पड़ता है कि इसके बाद ये सब आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, दिस इज द होल नंबर। तो ये थॉट होता था कोचिंग वालों का, मेरा इसमें ये थॉट है, मतलब मेरा पर्सनल थॉट बताऊं तो जैसे बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब मैंने जितना देखा था लोगों को क्या होता है कि 11th तक तो कोई सोचता भी नहीं है बोर्ड की, बिकॉज 11th का एग्जाम तो वैसे भी बोर्ड नहीं होता है, तो जस्ट लाइक एक पास करनी है, तो वो कहीं भी डमी एडमिशन ले लेते हैं स्कूल्स में और दे, मतलब वो पास भी कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, ये मैंने ये भी क्योंकि मैंने कोटा फैक्ट्री भी देखी है, और क्योंकि वो कोटा के ऊपर है और उसमें सारी चीजें वैसी दिखाई है, तो जैसे अभी आपने कहा कि डमी एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या ही सच में होता है? क्योंकि उसके अंदर एक था सीन था, उसके अंदर ये था कि आपके बच्चे को 11th 12th यहीं से करा देंगे, एक स्कूल है जान पहचान के, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या ही सच है? बिल्कुल सही बात है। तो एग्जाम देने जाना भी होता है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं, 11th में इट इज योर चॉइस, मतलब मेरे को ऐसे ओपनली नहीं बोलना चाहिए, बट यस ऐसा होता है कई स्कूलों में, कि मेरे स्कूल में नहीं होता था, बट कुछ कुछ स्कूल्स में होता है कि 11th में आपको मतलब पेपर भी देने नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, योर कॉपीज मतलब वो बना देंगे कुछ भी, हाँ, और आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। वाह, क्या ये 12th में भी होता है? ये 12th में नहीं होता, 12th में नहीं होता, बोर्ड की वजह से, ये बस 11th में होता है, क्योंकि 12th इज बोर्ड, तो आपको अपीयर करना पड़ता है। ठीक, तो मैंने जितने ज्यादातर जो लोट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो यही करते हैं 11th में, वो कुछ ध्यान नहीं देते, 12th में उनको एकदम से याद आता है यार बोर्ड भी है, और एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं हमारे, प्रैक्टिकल्स भी होते थे लास्ट में, तो उस टाइम पे उन लोगों को याद आता है कि यार बोर्ड भी है, तो वो 11th में पूरा IIT पे फोकस करते हैं, 12th में हाफ ऑफ द टाइम दे फोकस ऑन IIT, अबाउट 3/4 ऑफ द टाइम दे फोकस ऑन IIT, और रेस्ट 1/4 ऑफ द टाइम दे गिव टू द बोर्ड, फिर वो पूरा बोर्ड को देते हैं, मतलब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि 12th में, क्योंकि क्या होता था हमारे टाइम पे, अभी भी होता होगा, 75% इज मिनिमम दैट यू हैव टू, मतलब होना चाहिए तब जाके आपको IITs या NITs में एडमिशन मिलेगा, और 12th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, नहीं 10th, हां 12th के, सॉरी 12th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, तो उनमें ऐसा होता था कि आपको 75 मिनिमम होना चाहिए, वरना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द NIT और IIT, ऐसा था। तो 75% बनाने के लिए बच्चे लास्ट में इतने हेक्टिक हो जाते थे ना कि बनानी है, सब्जेक्टिव पेपर आ गया है, अब करना पड़ेगा तैयारी, तो आधे टाइम 12th का 3/4 ऑफ द टाइम वो तैयारी करते थे IIT लेवल की, फिर उसके बाद वो लास्ट में आते थे सब्जेक्टिव पे, फिर वो सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करते थे, प्रैक्टिकल्स नहीं आते थे, फिर उसके बाद पूरा बोर्ड जब तक खत्म नहीं होता था उनके दिमाग में एक प्रेशर रहता था कि अपन को बोर्ड में 75 से ऊपर, उनका टारगेट जो प्योर एस्पिरेंट्स होते थे IITs के, दे डोंट टारगेट फॉर 90% 100%, दे डोंट, उनको नहीं चाहिए, वो बस टारगेट करते थे 75 से ऊपर हो जाए। हाँ, बस मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि बस 75 से ऊपर हो जाए मैं ठीक हूँ, मैंने मेरी तो 91 आई थी 12th में, तो मैं तो प्रॉपर बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ा था, तो वो लोग ऐसा सोचते थे कि बस 75 पार हो जाए, हाँ, मेरे को NIT IIT चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है 12th से। एक सवाल है मेरे यहाँ पे, हाँ, क्योंकि और मैंने, मुझे लगता है कि आई गेस वो सीरीज हर किसी ने देखी, और वहां से जब वो सीरीज देखते हैं तो बेशक उसके अंदर कई सारी चीजें सच ना हो क्योंकि फिक्शन है सारा सब कुछ, लेकिन स्टिल कुछ कुछ बातें जो लगता है कि आपको, आप रिलेट कर पाते हो कि आपको लगता है कि ऐसे ही होता होगा। Yes. उसके अंदर एक चीज है, उसके अंदर एक जो डायलॉग है वो, जिनको हम जीतू सर कहते हैं उसमें, तो जीतू सर का एक डायलॉग है कि कोटा जो है ना बच्चे से उसकी जिंदगी छीन लेता है, 2 साल तक उसको पता ही नहीं होता कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है, वो बस कोटा में रह जाता है, और जिस बच्चे का IIT या NITs में या फिर अच्छे कॉलेज में निकल गया तो ठीक है, जिनका इनका नहीं निकल पाया वो उनकी ज़िंदगी से कोटा फिर कभी निकल नहीं पाता, वो बंदा इतना जो होते हैं वो स्टूडेंट्स जो, क्योंकि कच्ची मिट्टी है ना, कच्ची मिट्टी अगर हार जाए तो वो घड़ा नहीं बन पाएगी या कोई मूर्ति नहीं बन पाएगी और वो ढह जाएगी, उनको लगता है कि अपने जीवन में कुछ नहीं रखा। इस टाइप के थॉट्स आते हैं क्या वहाँ माइंड पे, या फिर आपके माइंड में आए, या फिर आपने लोगों को देखा कि वो इसके माइंड में आ रहे और किस तरह से टैकल करते हैं वो इस चीज़ों को, क्योंकि घर से दूर रहने पर, क्योंकि मैं भी घर से दूर हूँ और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इट्स नॉट अबाउट लड़का और लड़की, इट्स जस्ट अबाउट कि जब आप घर से दूर होते हो तो घर वालों को सिर्फ अच्छी बातें ही बताना चाहते हो कि मेरे साथ सिर्फ अच्छा हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें आप हमेशा छिपाते हो, और ये मुझे लगता है कि आई गेस हर किसी बच्चे के अंदर होता है ये वाली चीज़। तो मुझे ये जानना है कि अभी तो चलो मैच्योर है ना, चीज़ें समझते हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं,
लेकिन जब बच्चे होंगे 11 12th में तब इतना दिमाग नहीं होता है, सब सारी चीजें मैनेज करना। बिल्कुल सही बात है। और जिंदगी में उस रेस में हारना है जिसके लिए आप फुल फ्लैश 2 साल से सिर्फ इसी चीज के लिए घर बार छोड़ छाड़ के तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। ये चीजें देखी है आपने कोटा की लाइफ में? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे कोटा, जाहिर सी बात है कोई अगर कोटा जा रहा है तो पूरे उसके सपने वगैरह सब होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ना ये बात सही है कि 2 टाइप के लोग आते हैं कोटा में। एक तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको सच में एक जुनून होता है कि नहीं यार मुझे निकलना ही है, आई हैव नो अदर ऑप्शंस, वो ऐसे आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि वो आते तो हैं IIT की तैयारी करने, NIT की तैयारी करने के मुझे भी निकलना है और मुझे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, पर वो है ना जैसे कुछ लोगों की प्रेशर टॉलरेंस की पावर ज्यादा होती है। घर वालों से दूर हो आप, है ना, आपको पढ़ना है पूरे दिन, आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है, आपको अलग दूसरी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, पहले से आपको पता है अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाओगे, आप वो सब मिस हो जाएगा और फिर आपका IIT NIT कहीं नहीं हो सकता। तो जो लोग मतलब काफ़ी टॉलरेंस रहता है, एंड्योरेंस इनमें रहता है, जो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इमोशनली मेंटली, वो लोग तो तैयारी करते हैं, पूरे ताकत लगाते हैं, पूरे अच्छे से तैयारी करते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो शुरू में तो बहुत ज़्यादा वो पावर लगाएंगे, फिर उनको समझ में आता है यार कि नहीं होगा, उनको समझ में आ जाता है, तो वो लोग फिर डेविएट कर जाते हैं, फिर वो लोग घूमेंगे कुछ भी करेंगे, मतलब वो बिल्कुल डेविएट हो जाते हैं अपने पाथ से। तो मैं दूसरे वाले लोगों की बात नहीं करूँगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है बात करने का। पॉइंट जो लोग फर्स्ट है उनकी बात करता हूँ, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो इमोशनली भी, इमोशनली वो फिर 2 भागों में हो जाएगा, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली थोड़ा सा वीक है। तो जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे मैं खुद को उस कैटेगरी में ही मानता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक तो अपने ग्रिप कभी नहीं छोड़ते हम लोग, जैसे जिस जो भी कंडीशन आएगी, जो भी टीचर ने बोला है, जो भी हमें बता रहे हैं कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है ना, इतना करना है, तो हम लोग उसको कैरी ऑन रखते हैं हमेशा किसी भी हालत में, कि अपन को इतना टाइम देना है तो देना है, अपन को बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखानी। मैं लिटरली सोता भी नहीं था कोटा में था जब मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं अपने ड्रॉप की बताऊंगा, 11th 12th में तो चिल था, बट जब मैं ड्रॉप कर रहा था एक्चुअली, तब उस टाइम पे मैं दिन में नहीं सोता था, मतलब मेरा क्लियर था। थोड़ा बहुत कभी कभी बहुत थक गया लेक्चर देख के, तो मतलब लेक्चर से आके, जैसे मेरा लेक्चर होता था 8 से 12, 1-2 बजे तक, तो वो अटेंड करके बस फिर घर पे आते थे, फिर मतलब थोड़ी देर खाना वाना खाया, थोड़ा सा पावर नैप लिया 5 से 10 मिनट का, फिर उसके बाद में पढ़ने बैठ जाता था, मेरा क्लियर था, क्योंकि मेरे को पता होता था कि मुझे कंप्लीट करना है इतना, फिर मैं रात में बोले से जल्दी सो जाऊंगा या जो भी होगा, ऐसा मैं रूटीन रहता था। तो जो लोग मतलब मेरी कैटेगरी में आते हैं, जो मतलब सीरियस होते थे पढ़ाई वगैरह के लिए, तो वो लोग रेगुलर पढ़ते रहते थे, मतलब उनको पता होता है कि अपना हो। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जैसे आपने बोला कि वो जैसे वो कर तो रहे पढ़ाई, पर सबका नहीं होता है क्योंकि सीट्स मिनिमम है, करेक्ट, तो ऐसा तो है ही नहीं कि सबका हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि कुछ लोगों का निकल जाता है, कुछ लोगों का नहीं निकलता है। अब जिनका नहीं निकलता है वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग तो जैसे मैंने बोला मेंटली स्टेबल है, इमोशनली स्टेबल है, तो ठीक है नहीं निकला तो कुछ और कर लेंगे, कुछ BSc कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, देयर सर्च फॉर अदर ऑप्शंस। अब दूसरा लोट में आते हैं जो इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं, जो लोग उनका मैं बताता हूँ, जैसे उन्होंने IIT की बहुत तैयारी करी, बहुत ही पढ़ लगा है ना, बहुत ही पढ़ लगा है। एक ये तैयारी ऐसी होती है ना, इसमें पता चल जाता है आपको, मतलब जब एग्जाम पास आएगा ना आपको फील आ जाएगा कि आपका कहाँ हो सकता है, क्या आपको मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, वो चीज़ आपको फील आ जाती है। मुझे भी फील आ गया था, सबको फील आ जाता है कि हाँ यार अपन को क्या मिल सकता है, कितनी अपन ने तैयारी करी है और कितने अपन कैपेबल हैं पेपर में, क्योंकि आज कोचिंग से ना काफ़ी सारे आपके टेस्ट लेगी, तो वो टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं ना उससे उसके बेसिस पे आप, हाँ, इतनी रेंज में एक आपकी जजमेंट बैठ जाती है, तो कुछ लोगों को समझ में आ जाता है। पर उसमें से भी जो कुछ इमोशनली वीक होते हैं, इमोशनली वीक तो इतने मैंने हद तक देखे हैं, एक बच्चा था मतलब हमारे साथ ही था, बच्चा क्या मतलब मेरे ही बराबर था, जब हम दोनों साथ ही NIT भोपाल से मैं पढ़ाऊँ वहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, तो उसका नाम पलाश कोठे था, मतलब मेरे को अगर अच्छे से याद है उसका नाम, तो उस बंदे का IIT में नहीं हुआ था, ऑफकोर्स NIT ज्वाइन किया तो IIT में नहीं हुआ उसका, तो क्या हुआ था कि उसने सुसाइड कर लिया था, उसने सुसाइड कर लिया था, नोट पे लिख दिया था कि मैं अपने मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया, ऐसा करके उसने बड़ा सा नोट लिखा था, उसने सुसाइड कर लिया था। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चा मतलब इमोशनली वीक है NIT में होने के बाद, NIT में होने के बाद, बिकॉज IIT में नहीं हुआ, तो ऐसा भी केस मैंने देखा है, उसको लटकते हुए देखा है, मतलब लिटरली अलग बोलना नहीं चाहिए कैमरे में, बट यस, सो इमोशनली वीक होते हैं कुछ लोग, माना मैंने। अब सोचो जिसका IIT में नहीं हुआ, NIT में हुआ तब उसने कर लिया, तो NIT में इसका नहीं हुआ, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, करेक्ट। पर हाँ मतलब उस फेज से निकल जाते हैं बहुत लोग, जैसे इमोशनली वीक लोग भी निकल जाते हैं एक टाइम पे, उनको लगता है कि यार लाइफ में चलो ठीक है NIT IIT से नहीं पढ़ेंगे, अभी जितने भी बड़े लोग हैं सब NIT IIT से थोड़ी होते हैं, करेक्ट, दे आर फ्रॉम एलाइट नॉर्मल कॉलेजेस से भी होते हैं जो आगे जाके काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, तो वो सब उनको लगता है, और ये थोड़ा फैमिली पे भी डिपेंड करता है, देखो ये चीज़
अगर वो लोग काफी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से या गांव से आ रहे हैं, जैसे मेनली यूपी बिहार के लोग आते हैं, तो हो सकता है उनको इतनी क्लैरिटी नहीं हो कि मेरा एनआईटी में नहीं हुआ तो मेरा लाइफ कुछ नहीं बचेगा। तो बेसिकली सही पाथ पता हो कि अगर आईआईटी एनआईटी नहीं ऑप्शन बचा है तो अगला पाथ क्या हो सकता है। बस तो कई लोग लगता है आपको कि इस टाइप के लोगों को पाथ पता होता होगा, एक बैकअप प्लान रखते हैं कि रखते हैं कि ये चीज नहीं हुई तो ये होगी। हां मैं और ऐसा भी होता है क्या कि लेट्स अज्यूम कि कोई आईआईटी एनआईटी आईआईटीज की तैयारी और एनआईटीज की तैयारी कर रहा है और साथ बाय साथ 12th भी देना उसे, तो 12th के नंबर भी नहीं आ पाए क्योंकि आईआईटी की तैयारी में लगा था और आईआईटी में भी नहीं हो पाए क्योंकि उसको बीच में 12th भी देना पड़ गया। हां ऐसा भी हो जाता है। उस केस में उस बच्चे की थिंकिंग क्या होती है, वो क्या सोचता होगा उस केस में? देखो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो ऐसा होगा कि बहुत हार मान जाएगा, सोचेगा कि अब मुझे करना ही नहीं है इंजीनियरिंग, छोड़ दो, बीएससी में कहीं एडमिशन ले लेगा या जो भी पढ़ाई उसको मिल रही होगी वो ले लेगा और आगे बढ़ेगा, है ना। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया अगर उसमें जुनून हुआ कि नहीं यार मुझे तो करना ही है, तो 12th रिपीट करेगा, वो 75% लाएगा और फिर वो कोई एनआईटी ऑप्ट कर लेगा। आईआईटी में हो सकता है उसका हो जाए ना हो, बट ऐसा भी होता है। आपने एक साल ड्रॉप किया। हाँ ड्रॉप करना मतलब कहीं नहीं जाना, घर पे रहना, पढ़ाई करना, इंस्टीट्यूट जाना, इस टाइप की चीजें करना। और उसमें मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता होगा। हाँ, क्योंकि अगर फैमिली अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे वो करे कि तो कुछ कर नहीं रहा है, बस ये पढ़ाई कर रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा तेरा, रिलेटिव्स होते हैं घर वालों के, दोस्त लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोस वाले से होते हैं, तो एक सोसाइटी का एक मेंटल प्रेशर रहता है कि ये तो होशियार बनता था बच्चा अपने आप में, अब कुछ नहीं कर रहा है। आपको पता है कि आप क्या करो, तैयारी करो, किस चीज़ के लिए करो, लेकिन एक सोसाइटी को नहीं पता है, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होना और आप देना भी नहीं चाहते क्योंकि सबको क्यों एक्सप्लेनेशन क्यों देनी है, वेरी सिंपल प्रोसेस। लेकिन क्या इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता था कि क्या कभी कभी आपके मन में आता था कि यार एक साल वेस्ट हो गया मेरा या फिर इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं? अब हाँ मैं आपको इसका मतलब मैं अपना आंसर दूंगा, मुझे नहीं पता कि लोगों के दिमाग में आता ही नहीं आता, मैं मेरा बताता हूँ। तो मैं जब ड्रॉप करने गया था तो मेरे पापा ने मुझे काफ़ी रोका था कि क्या करेगा ड्रॉप करके, ठीक है अभी जो कॉलेज मिल रहा है ले ले, कोई इशू नहीं है। मुझे उस टाइम NIT जयपुर मिल रहा था केमिकल से, मुझे इतना पता नहीं था उस टाइम काउंसलिंग का, तो मैंने लिया नहीं था। मैंने सोचा कि अपन एक साल देंगे IIT को, वी विल ट्राई, क्या पता IIT में हो जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो मैंने ये सोचा था। उसके बाद एक दो महीने मेरे पापा ने मेरे से बोला था कि देख ले एक बार और, ऐसे बोलते हैं कि देख ले एक बार और कि एक साल तेरा बिगड़ेगा। मैंने बोला नहीं पापा, मेरे को IIT के लिए ट्राई करना है, भले से कुछ ही हो। उस टाइम पे ना मेरे पास लकीली एक ऐसा फोन होता था जिसमें नेटवर्क्स नहीं आते थे, वो कभी काम ही नहीं करता था मोबाइल, उसमें बस गाने सुन सकते हो आप, वो डाउनलोडेड थे, तो वो भी एक दो गाने थे उसमें मोटिवेशन वाले सिंपल, तो मैं उसको यूज करता था। कई बार तो घर वालों का फोन भी नहीं लगता था उस पर, तो मैं बाहर जाता था, बात करता था थोड़ी देर, वापस अंदर आया था। तो मतलब मैंने अपना कनेक्ट ही इतना तोड़ लिया था लोगों से, मैं लिटरली उस एक साल है ना बहुत अकेला रहा था अपने हिसाब से। मतलब मैंने बस ये सोचा था कि बस IIT और मैं हूँ, और NIT मतलब जो भी कॉलेजेस हैं मैं हूँ बस, और मेरे टीचर्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बस, मैं किसी को नहीं देखता था। घर वालों का भी कॉल आता था तो मैं बाहर खड़ा रहता था तो लग जाता था, और ना कई बार तो कॉल भी मतलब अनरीचेबल आता था, फिर मैं लकीली रिलेटिव के घर पर रहता था तो उनको कॉल करके मेरे से बात हो जाती थी, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। बट ऐसा था तो मैं बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं था किसी से, ना किसी रिलेटिव से। मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की उस साल, मैं उस साल कहीं नहीं गया, मैंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई आई गेस। और उस साल मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था कि मुझे ये ड्रॉप करना है कंप्लीट, उसकी बाद मुझे घर जाना। फिर जब रिजल्ट आया तब हाँ, फिर सब जब सब हो गया, फिर जब मैं घर गया था, रिजल्ट के पहले ही मैं घर चला गया था, तो थोड़ा सा फिर उस टाइम पे सब पूछते थे कि कैसा रहा पेपर, कैसा हुआ, रिजल्ट कैसा रहेगा। मैं बोलता था बढ़िया रहेगा, होपफुली IIT में हो जाएगा, ऐसा ही मैं सिंपल बोलता था। मैंने तैयारी करी थी हाँ, पर मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपना 100% दिया। मतलब मैंने कभी यूँ नहीं सोचा यार कि मतलब यहाँ पे मैंने चूक कर दी, नहीं, मैं पूरा मतलब मैंने ये चीज़ क्लियर रखी थी शुरू से कि यार मैं अगर अटेम्प्ट दे रहा हूँ ना तो मैं फुल दूंगा। नहीं नहीं समझा पॉइंट। हाँ तो मैंने कभी भी ऐसे मक्कारी नहीं करी, मतलब कि मेरे को बाद में रिग्रेट हो कि यार उस पॉइंट पे अगर मैं ऐसा कर देता ना तो ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास उस साल के लिए। तो सोसाइटी का जो प्रेशर है वो पर नहीं पड़ा क्योंकि आई इन्वॉल्व ही नहीं था। इन्वॉल्व ही नहीं था, मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि क्या क्या सोशल मीडिया पे, ये इंस्टाग्राम वगैरह ये सब जानता भी नहीं था क्या होता है। ओके, इन सब पे अकाउंट्स कब बनाना स्टार्ट किया, आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर स्कूलिंग? हाँ, उन दोनों तो वो रहता है ना कि अरे आप अपोजिट जेंडर की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हो या फिर अपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है,
और जब होते हैं तो फिर होता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, इसमें कोई वो नई बात नहीं है। और होते हैं तो आपका फैसिनेट इतना ज़्यादा हो जाता है उस चीज़ से कि आप उसमें भी टाइम डिवोट करने लगते हो, तो इस टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। हाँ, मैं बताता हूँ, मैंने अपना सबसे पहला सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर बनाया था जो मैंने 8th क्लास में बनाया था, 8th में। तो मैं शुरू से क्या पढ़ने वाले बच्चों टाइप्स था, मतलब आई वॉज अ टॉपर फ्रॉम स्टार्ट एंड अप टू द ग्रेजुएशन। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला था स्टूडेंट शुरू से। तो मेरा फेसबुक अकाउंट तो था, लिटरली मैं उस पर एक्टिव भी होता था बहुत 10th क्लास तक। अच्छा, मतलब व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग यू आर नॉट एक्टिव। हाँ, जब मैं 11th में बाहर गया ना, तो पहली बात तो मेरे पास कीपैड मोबाइल था, मतलब जिसमें बस आप गाना चला सकते हो मैक्सिमम। एज यू सेड कि उसमें तो नेटवर्क नहीं आते थे, तो गाने थे, तो कहां से सोशल मीडिया चल जाएगा। हां, तो एक फेसबुक लाइट करके उस टाइम पे चलता था। हां, तो मैं उसमें कोशिश करता था चलाने की, कुछ ना कुछ तो बात हो जाए, किसी दोस्त से बात हो जाए। हां, कभी-कभी चलाता था। हां, वो भी ना उस टाइम पे 2G नेट आता था, मतलब मेरे मोबाइल में तो 2G चलता था, उससे आगे मैं कभी गया नहीं था उस टाइम। हां, तो वो लोड होने में इतना टाइम मिलता था, मैं सोचता था कि ये साला जब तक इसका मैसेज आएगा तब तक तो मैं इतने लेक्चर इतना पढ़ लूंगा। हाँ, तो मेरा फिर धीरे इंटरेस्ट खत्म हो गया था, तो मैं फेसबुक भी चलाना बंद कर दिया था। तो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे यहाँ पे या फिर ऑफलाइन पढ़ाई करते थे? ऑफलाइन। मैं क्लासरूम कोर्स मैंने लिया था, हर बार मैंने ऑफलाइन ही करी। ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि यू आर अ टॉपर, यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट, है ना? आजकल ऑनलाइन पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो मिलती है, लोग घर बैठे आराम से सारी चीजें पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच इज बेटर फॉर मी? मतलब मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो इट इज ऑफलाइन क्लास दैट इज बेटर। व्हाई? क्योंकि क्या होता है कि मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मे बी किसी को लगता होगा ऑनलाइन इज बेटर, क्योंकि बिकॉज इन ऑफलाइन क्लास यू कैन फील दैट कॉम्पिटिशन। मतलब आप उस चीज़ को ना महसूस कर सकते हो, जो आप क्लास में बैठे हो, आपके आसपास लोग बैठे हैं, आप जब देख रहे हो कि लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब जब आप उसको फील कर पा रहे हो उस एनवायरमेंट को, जब टीचर बता रहा है सामने आपके, है ना, वो कुछ आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ जो ग्रेड ऑफ लर्निंग होती है ना, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। ऑनलाइन में आप कर सकते हो, वो ऐसा हो जाता है जैसे स्टडिंग इन साइलोस, लाइक आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आपको एक लेक्चर होगा, टीचर बोलता रहेगा, आगे पीछे भी कर सकते हो। पूरा जैसे ऑनलाइन वर्कआउट और ऑफलाइन वर्कआउट में फर्क है, ऑनलाइन में तो क्या ही दिक्कत है, टाइम बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसमें सब डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है, उसमें सारे आंसर्स भी आ जाएंगे। उसमें आपको रैंकिंग भी पता चल जाएगी, अगर बहुत ही एडवांस होगा तो बगल में आपकी रैंक भी आ रही होगी अगर आप आंसर दे रहे हो, तो दैट इज फाइन। बट जो क्लास में, मैं हमेशा क्लासरूम को ही प्रेफर करता हूँ मैं लाइफ में, मतलब ऑनलाइन मैंने बहुत कम पढ़ाई की है। ठीक है, तो उससे उसकी जो लर्निंग होती है ना, वो अलग लेवल पे होती है। एक सवाल और आया मेरे मन में, जैसे यू सेड कि व्हेन यू आर इन कोटा और आपके साइड पे यूपी बिहार के साइड के काफी सारे बच्चे थे, बिल्कुल, और आप भी झालावाड़ से, मतलब व्हिच इज 90 किलोमीटर फार, और झालावाड़ इज नॉट दैट मच फेमस, वो भी एक विलेज ही होगा आई सपोज। हां, इट इज अ सिटी बट मोर ऑफ द, मतलब इतना डेवलप अभी धीरे-धीरे हो रहा है, बट इट इज नॉट दैट मच डेवलप। ठीक है, यस। तो एक तरीके से मैं कहूं कि गांव का बच्चा पहले मुंबई गया और बैंगलोर के अंदर, क्या डिफरेंस है वहां की लाइफ और यहां की लाइफ में, मुंबई और बैंगलोर में? नहीं, झालावाड़ की लाइफ में, ओके, और मुंबई और बैंगलोर की लाइफ में? ओह, देयर इज अ, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है यार, मतलब इन बैंग, मतलब इन झालावाड़, झालावाड़ इज अ, मतलब सिटी दैट इज वेरी नॉर्मल सिटी इन राजस्थान, जहाँ पे मतलब लोग मतलब सिंपल है बहुत, मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ वहाँ पे मारवाड़ी राजस्थानी प्रॉपर लैंग्वेज है, वहाँ हाड़ौती लैंग्वेज बोली जाती है फॉर, मतलब फॉर नॉलेज, और बहुत ही मतलब सिंपल जगह है ना, वहाँ पे लोग हमारे यहाँ पे मतलब SC ST जो, मतलब जो कुछ ट्राइबल जो कास्ट होती है उनका ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो भी हैं, काफ़ी हैं हमारे जैसे। मैं एक माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ कि गांव का बच्चा, हाँ, पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, चीज़ें क्रैक करता है, शहर में आता है, हाँ, नई दुनिया देखता है जो, हाँ, उसने पहले कभी नहीं देखी, बिल्कुल सही, उसके माइंड के अंदर क्या क्या पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं? एक होता है ना कि पहले वो इस तरह से सोचता होगा, फिर जब वो देखता है कि ऐसा तो नहीं होता है, ये तो ऐसे होता है, ओ तो ऐसे सोचना है, ये माइंडसेट किस तरह से चेंज होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है या फिर आपको बनाना पड़ता है कि नहीं वो ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ये झालावाड़ नहीं है, ये मुंबई है या फिर ये बैंगलोर है, या आपको इस तरह से रहना है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा मतलब जैसे अगर आप, जैसे मैं अगर, जैसे आप बता रहा हूँ मैं टाउन से आया हूँ यहाँ पे, है ना, तो जैसे मैंने सिटी में आ गया अब मैं, तो हाँ शुरुआत में ऐसे अगर सिटी वाइज देखें तो हाँ, मतलब यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का माहौल रहेगा, मुंबई में जाओगे तो रश ज़्यादा रहेगा, बैंगलोर में आओगे तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा, पर यहाँ पे भी ट्रैफिक वगैरह सब है, तो थोड़ा वो चेंज तो आया है ना, मैंने मतलब बहुत, मतलब एक होता है ना कि छोटी दुनिया से बड़ी दुनिया में आ गया, करेक्ट, तो वो चीज़ तो हुई है। हाँ, एक तो आपकी मतलब दुनिया, और कितना फैसिनेटिंग है ये,
फैसिनेटिंग शुरुआत में बहुत था जैसे मतलब मैं जब मुंबई में एंटर हुआ था तो मेरा एकदम अलग ही लेवल पे था, मैं थ्रिल एकदम मतलब अलग ही मेरा, मैं बोरीवली उतरा था सबसे पहले बोरीवली रेलवे स्टेशन, तो मैंने लिटरली वहाँ बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, मैं हर चीज को कैप्चर कर रहा था कि ये मुंबई है। और जब मैं सबसे पहले जोगेश्वरी गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका था वहाँ जा रहा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ऐसे मतलब मैं कोई घर वालों को जब कॉल किया कि मैं ऐसे ऐसे पहुंच गया और एक्सप्लेनेशन दिया सिटी के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने मतलब बाहर जाके जो मैं 15th फ्लोर पे था बाहर जाके ऐसे दिखाया सबको, तो बोले अरे कहाँ पर है तू, मैंने बोला कि 15th फ्लोर पे हूँ मैं और ये बिल्डिंग है और यहाँ से मुंबई देखो ऐसा दिख रहा है। मैं मुंबई के मतलब मैं जब मुंबई में था ना मैं काफी वीडियो कॉल करता था घर वालों को, दिखाता था कि देखो ऐसी भी दुनिया है, ऐसे भी लोग हैं, मरीन ड्राइव पे जाके करता था, ताज पे, सब जगह मतलब मैं घुमाऊं। मुंबई तो मैं इतना घुमाऊं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब मैं छोटे शहर से बड़े शहर आया था, तो एकदम मतलब अलग लेवल पे मैं मतलब सिटी का जो चांद था ना वो मेरे दिमाग पे एकदम चढ़ गया था। मैंने कहा यार नहीं अपन को सब देखना है। मैंने ये नोटिस किया क्योंकि मेरे कजन भी है, वो भी एक टाउन से था और जैसे वो टाउन से वो दिल्ली आया तो दो टाइप के लोग होते हैं, मतलब वो गलत राह पे चला गया और उसकी राह फिर अलग ही चली गई। मैं उसके बारे में नहीं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ वो गलत राह पे गया और वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, अच्छा कर रहा जो भी कर रहा, लेकिन स्टिल उसकी राह स्टार्टिंग की गलत थी कि उसके जो वो और कुछ बन सकता था वो नहीं बन पाया। मेरा यहाँ पे पूछना है कि एक गाँव का बच्चा जब फैसिनेट होता है एक नए शहर से, जब उसको लगता है कि तो बहुत ज़्यादा नई दुनिया, या तो वो डरता है, उसको डर लगता है हर चीज़ पे कि ऐसा कुछ गलत ना कर दे कि लोग उसको पहचान ले या फिर ये कह दें कि नहीं तू यहाँ का, ये लूट ना ले, या फिर इस टाइप की कई सारी एक्स वाई जेड चीज़ें, डरता है। दूसरा वो सारी चीज़ें करना चाहता है और वो उड़ना चाहता है, लेकिन अब तो उड़ते अब तो मेरी दुनिया है, और उस उड़ान के चक्कर के अंदर आप जो है गलत चीज़ में निकल जाते हो और उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी किस तरह से मोड़ लेती है वो उससे सारी चीज़ों पर होती है। तो गाँव के बच्चे को ये मैनेज करना कि वो नए शहर में भी है और उसको पता भी है कि उसकी लिमिट है, क्या क्या चीजें हैं, वो कैसी दुनिया होती है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से बैंगलोर आया हूँ, ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन एक झालावाड़ का एक लड़का जो टाउन से आया, जो सिर्फ पहले मुंबई गया, जो सपनों की नगरी, उसके बाद बैंगलोर आया, विच लाइक कि बैंगलोर मुंबई सिंबल सिटी है दोनों, एक सारी चीजें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। तो मुझे ये जानना है कि गाँव का लड़का एक टाउन का लड़का एक सुपर सिटी में जब पहुँचता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है और क्या क्या ट्रांसफॉर्म्स आते हैं उसके माइंडसेट में। हाँ जैसे मैं इसमें बताना चाहूँगा, जैसे मतलब अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि बहुत ही अगर जिस पर्सपेक्टिव में अगर आप बोल रहे हो कि जैसे बहुत ही छोटे शहर का अगर जा रहा है बड़ी सिटी में, तो इसमें दो केसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि मेरा केस तो ऐसा था कि मैं NIT में पढ़ा हुआ था पहले भोपाल में, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने देखे थे मतलब लोग काफ़ी NITs में काफ़ी लोग एक साथ हॉस्टल में रहते हैं, मैं हॉस्टलर था, तो हमने हॉस्टल लाइफ में मतलब मेरी हॉस्टल लाइफ रही 2.5 साल, तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो भी रहते थे वो सब सिटीज से ही थे, तो मुझे एक आइडिया था कि हाँ ऐसे लोग रहेंगे, अपन को ऐसे रहना है, ऐसे वहाँ की लाइफ होती है, थोड़ा एक आपके दिमाग एक माइंड क्लैरिटी रहती है, तो वहाँ से मेरी क्लैरिटी थी। सेकंड, जब मैं मुंबई फर्स्ट टाइम गया था तो मैं अपने पे नहीं गया था, जैसे जो लोग जाते हैं ना एक अपने पे कि नहीं यार मेरे को वहाँ जाके जॉब ढूंढनी है, ऐसा नहीं था। मेरे को कंपनी ने टिकट करा के दी थी बकायदा, मेरे रुकने के लिए वहाँ पे स्टे था, और इसके अलावा वहाँ पे रुकने के बाद भी 15 दिन का स्टे दिया था कंपनी ने, उसके बाद मुझे आराम से फ्लैट देखना था और वो फ्लैट भी मैंने दोस्तों के साथ देखा था, तो मेरा जो वहाँ की जो ऑनबोर्डिंग थी ना बहुत स्मूथ थी, तो मुझे दिक्कत नहीं आई, ठीक है, तो मेरे लिए वो सब बहुत ईजी था। फिर जब मैं वहाँ पे जब चला गया रहने लगा तब भी कंपनी वाले साथ में थे, मतलब मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था तो वहाँ जाता था रोज, तो वही लोग रोज मिल रहे हैं, तो एक मतलब फ्रेंडलीनेस बन गई थी, तो मुंबई में इतना डर नहीं लगा, जो आप बोल रहे हो डर एक लगता है वो नहीं लगा, मुंबई हमेशा अपना ही लगा, मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो अपनी जगह है। तो मुंबई में रहते हो कभी ये नहीं सोचा कि आप स्मार्ट देखते हैं, लंबे चौड़े हाइट है, चलो एक्टिंग के लिए तैयारी की जाए? वो मतलब वो कभी ख्याल आया नहीं, वो सही बात है, और वो ख्याल कभी आया नहीं, मतलब क्योंकि उस फील्ड में नहीं थे ना और उस टच में भी नहीं थे। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त मिल जाता जो बैंड्रा से होता और उससे अच्छी दोस्ती हो जाती, वो एक दो बार कोई स्टूडियो ले जाता, एक दो शॉट देते थे, तो बात अलग थी। पर मैं जिस पर्पस से गया था वो प्योरली कंपनी पर्पस था, तो कभी ऐसा आया नहीं। हाँ एक्टर को देखने का मेरा बहुत मन करता था, मैं मन्नत काफी बार गया हूँ,
और इसके अलावा मैं हाँ और शाहरुख खान मेरा फेवरेट भी रहा है बचपन से, तो गया हूँ मतलब उसको मैं काफी देख। एक बार तो मैं ईद पे गया था, मैं सोचा शाहरुख खान बाहर आएगा तो जाते हैं, तो उस दिन सलमान खान शाहरुख खान दोनों बाहर नहीं आए, तो कुछ इश्यूज चल रहे थे उस टाइम, तो बिकॉज ऑफ दैट। कितनी भीड़ होती है? बाकी भी बहुत भीड़ होती है जैसे दिखाते हैं। हाँ, ईद के दिन भीड़ होती है, बाकी दिन नहीं होती है, बाकी दिन चल रहता है। चल रहता है हाँ, ईद के दिन बहुत भीड़ होती है। बाकी मन्नत देखने में एकदम जन्नत जैसा है। मेरे को तो नॉर्मल लगा, मतलब मैं मेरी एक्सपेक्टेशन है ना कुछ ज्यादा ही थी। मैं गया, मैंने देखा शाहरुख खान का घर है, बगल में और बड़ी बिल्डिंग थी, मैंने कहा यार ये तो इससे बड़ी बिल्डिंग है। तो क्या शाहरुख खान का घर है? Okay. पर अच्छा है, मतलब इट इज मतलब अच्छा बना हुआ है। ओके ओके ग्रेट। नाउ यू आर वर्किंग इन डेलॉयट एज अ कंसल्टेंट। हां, मुझे जानना है क्योंकि जब कोई बच्चा स्कूलिंग में हो, दो सपने बेशक दे सकता है कि उसे आईआईटी बन क्रिएट करना है, बिल्कुल, या फिर उसे डॉक्टर बनना है, या फिर उसे लॉयर बनना है, या फिर उसे जर्नलिस्ट बनना है। इस टाइप के सपने देख सकते हैं, बिल्कुल देखते हैं। जब कोई बच्चा स्कूल लाइफ में होता है उसको नहीं पता होता कि कंसल्टेंट क्या है। आपको पता था? मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। कंसल्टेंट वर्ड कब आया आपकी दुनिया में और क्यों बने आप कंसल्टेंट? क्या होता है कंसल्टेंट? करना क्या होता है कंसल्टेंट? चलो मैं बताता हूं। लेट्स अज्यूम कि कोई स्कूल में बच्चा है, क्योंकि कंसल्टेंट के अंदर कंसल्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो अगर आप कंसल्टिंग में करना चाहते हो, तो क्या क्या करे एक बच्चा कि वो कंसल्टिंग के करियर में आ सके और क्या क्या पाथ अपनाए अपना? अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। कंसल्ट सबसे पहले तो कंसल्टिंग एक ऐसा फील्ड है इन विच नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ कंसल्टिंग, मतलब यू आर सपोर्टिंग सम ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश देयर वर्क। लाइक कुछ ऐसे काम है जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्सिस्टिंग मैन पावर से नहीं करा सकता, बिकॉज मे बी उनका ज़्यादा खर्चा होगा अगर वो कोई नया बंदा लाएंगे, या फिर कुछ भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो, और या तो एक्जिस्टिंग मैन पावर इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो दे हायर कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स मीन्स सम पीपल दे आउटसोर्स फ्रॉम बिग कंपनीज, मे बी सम बिग फोर और सम अदर, तो उन वहाँ से आउटसोर्स करते हैं एंड बाय द हेल्प ऑफ देम दे कंप्लीट दैट वर्क्स। ऐसा होता है, तो दिस आर कंसल्टेंट्स, मतलब उनकी मदद से कुछ काम कराते हैं, तो दिस इज कंसल्टेंट। तो मतलब मेरा ये मानना है कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरे को कंसल्टेंट बनना है, मतलब मेरे को नहीं लगता, बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे आप सोचते हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, वही वही पॉइंट है ना, ये बनना है। पर कंसल्टेंट एक ऐसी चीज होती है ना कि दिस इज नॉट डिफाइन, नहीं कर सकते आप कंसल्टेंट आपको क्या हो पर, मतलब किस चीज में आप कंसल्ट कर रहे हो। डॉक्टर इज ऑल्सो ए कंसल्टेंट इन, वो भी तो कंसल्ट ही कर रहा है, तो वो चीज रहती है। तो कंसल्ट मेरे को कंसल्टेंट बनने का मन क्यों किया, वो उसके पीछे आंसर ये है कि मैंने सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था VEC था, तो वहाँ पे मैंने काम किया, जो भी मतलब मैं उसमें मेनली सप्लाई चेन्स में इन्वॉल्व था, मतलब मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, आफ्टर मार्केट में भी मैंने काम किया है, इसके अलावा मैंने वहाँ पे HR में भी काफ़ी सपोर्ट किया है, इसमें सब में काम किया, मतलब अकाउंट फाइनेंस वालों से भी मेरा काम होता था। लगभग उस कंपनी में मैंने 10-12 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो मेरे सब लगभग हर एक डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है, IT में भी लगभग किया ही है मान लो। तो उस टाइम पे मैं मेरा जो मेजर जो डिपार्टमेंट था जिसमें मेरा मेजर काम होता था या जिसका प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हुआ था, जिसमें मेरे को थोड़ी सी शाबाशी मिली थी कि हाँ इसने अच्छा काम किया है, वो सप्लाई चेन से रिलेटेड था, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट समथिंग। तो मैंने सोचा, तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड भी होता था समीर सोनी, और कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जिनने मतलब मुझे सलाह दी कि अगर इस चीज में तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है तो तेरे को इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, कंसल्टिंग मतलब कंसल्ट, तो हाँ मतलब इसमें सप्लाई चेन्स एंड ऑपरेशंस रिलेटेड, बिकॉज इट इज अ ब्लूमिंग फील्ड आल्सो। तो मैंने कहा कि हाँ मतलब ऐसा कर सकते हैं, मैंने थोड़ा उसमें सोचा कि हाँ अपन ऐसा कुछ कॉल ले सकते हैं। उसी दौरान मतलब मेरी कुछ पार्टनर से बात हो रही थी, इसमें डेलॉयट में कोई पार्टनर है, लिंक्डइन पे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया मतलब ऐसे सिंपली कि आई वॉन्ट टू जॉइन डेलॉयट समथिंग इन सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन। तो मेरे को वहाँ से कॉल आ गया था कुछ दिनों में, मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैं कंसल्टेंट कैसे बना, वो तो सिंपल है कि मुझे मतलब बिग फोर ज्वाइन करना था और यहाँ पे इनने मुझे पोस्ट कंसल्टेंट दी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेन मेरा मोटिव ये था कि मुझे सप्लाई चेन से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन की थी। बट यू हैव डन इंजीनियरिंग मैकेनिकल, यस, और वो काम आ रहा है अभी करंट फील्ड में? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब यस दैट इज डेफिनेटली आई हैव डन माय इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, सो और मैंने गोल्ड मेडल भी लिया एक्चुअली, काफी पढ़ाई की मैंने मैकेनिकल में। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, नवीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम पीजी में काफी टाइम से रह रहे हैं, और नवीन की बातों में कई बार ऐसा होता है कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कुछ भी अगर बात प्रूफ रखनी हो तो मैं गोल्ड मेडल, तो मेरी बात तो सही होगी, खैर विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर गोल्ड मेडल होना मतलब आप एकदम क्रीम लेयर के अंदर आ रहे हैं, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर, विच इज अ ग्रेट थिंग।
और अगर आप वो चीज़ हैं तो मतलब वाकई आपने बहुत अच्छी मेहनत की अपने करियर को लेकर, आप अपने करियर को लेकर सजग हैं. सॉरी, यस, यू आर अ गुड मेंटर, आई नो दिस. तो मैंने उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था कॉलेज में. हाँ, तो उसमें तो मतलब वो अभी तो कुछ इतना काम नहीं आता है, मतलब अगर फ्रेंकली आपको पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, पढ़ाई की आपने 4 साल की इंजीनियरिंग के लिए, तो आपने अपना करियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्यों नहीं बनाया? आपने करियर अपना कंसल्टिंग में क्यों बनाया? क्या सिर्फ पैसा मैटर कर रहा था या फिर फील्ड के ऑप्शंस नहरे हो गए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के? क्योंकि लास्ट में जो मैंने लास्ट जो बातचीत की वो भी पीयूष के साथ, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर था. और उन्होंने भी अपना जो पाथ करियर पाथ चुना वो भी सॉफ्टवेयर चुना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो जो रेंज है, जो वो है करियर पाथ है, वो नैरो होने लगा है, डाउन होने लगा है. ऐसा है क्या बात है? मतलब मैं इसका आंसर थोड़े अलग तरीके से देना चाहूँगा. तो क्या होता है कि जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हो, और इसके अलावा जब आप जेई मेंस, मैंने एक एग्जाम दिया था, वो दे लेते हो, तो आपकी काउंसलिंग होती है, उसमें आपको कोई कॉलेज मिलेगा है ना, और आपकी रैंक के अनुसार आपको कोई डिग्री मिल जाएगी. जैसे मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री मिल गई थी अकॉर्डिंग टू माई रैंक, कॉलेज इज NIT भोपाल, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था. ओके, तो अब ये चीज़ है ना, मतलब मेरे को क्या था उस टाइम मैकेनिकल में जो मैं पढ़ता था ना, इट इज़ मेनली रिलेटेड विद फिजिक्स एंड मैथ्स. तो मेरे को फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था शुरू से, तो मेरे लिए वो इजी रहा है शुरू से. मतलब तो मैकेनिकल में मेरे को अच्छे मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब इट वॉज ईजी फॉर मी. द सब्जेक्ट्स वर थर्मोडायनमिक्स और वो सब थे, तो मैं अच्छे मार्क्स आराम से मेरे आ जाते थे, तो मेरे को गोल्ड मेडल मिल गया. सो दैट इज़ द थिंग बिहाइंड गोल्ड मेडल. ओके, तो पर जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा पढ़ लिया, मतलब मैंने जब पूरी पढ़ाई कर ली, और फिर उसके बाद जब मैंने ऑटोमोबाइल कंपनी ज्वाइन की थी ऑब्वियसली, तो देर आई वहाँ पे मैंने थोड़ी फाइट की थी कि मुझे थोड़ा सा आप मैकेनिकल से रिलेटेड काम दो, बिकॉज आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड मेरा उसमें प्रोफिशिएंसी है उस सब्जेक्ट में, ऐसा मैंने उनको बोला था. तो दे टोल्ड मी लाइक आज आप प्लांट से चालू करोगे, फ्यूचर में आपको आना सेल्स एंड मार्केटिंग में ही है, बिकॉज सब मैनेजमेंट करके वो उधर ही आ जाते हैं. दिस इज मतलब आजकल जो हो रहा है वो बताया उन्होंने. तो मैंने कहा कि हाँ, तो थोड़ा मैंने रेसिस्ट किया, मैंने बोला कि नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क इन प्लांट इन हार्श कंडीशंस एंड जो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग्स हैं और जो प्रोडक्शन लाइंस हैं. जो आपने किया है वो यू वांट टू सपोज कि मैं इसी को आगे परस्यू. बस, तो मैंने बोला उनको. तो मेरे वहाँ पे बहुत मतलब मेरे मैनेजर से काफ़ी अबोव एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे हमारी कंपनी में, उनका नाम SS Gill था. तो उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल किया था उस टाइम पे. तो इंटरव्यू में मैंने उनसे बात की थी, तो मेरे को पहले तो बहुत प्राउड फील हुआ था कि एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरे को मतलब कन्विंस करने आ रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. तो उन्होंने मुझे कुछ PPTs शो करी थी, तो उन PPTs में मैं ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट रहा हूँ कॉलेज टाइम से, सेकंड ईयर में मैं एकदम बजाज ऑटो ज्वाइन करना मेरा सपना था. तो फिर उसके बाद जब तो मैं SS Gill सर का बता रहा था, तो उन्होंने मुझे PPT शो की थी. तो उस PPT में क्या था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वो PPT थी, समथिंग इलेक्ट्रिक. तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि फ्यूचर इज ऑफ इलेक्ट्रिक और इंजन सब बंद हो जाएगा आने वाले टाइम पर. वो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो उन्होंने मेरे को लगभग कन्विंस कर लिया था, मतलब मैं इंटरनली मेरा अंदर से आ गया था कि यार लेट्स गिव सेल्स एंड मार्केटिंग ए ट्राई. ओके, तो उन्होंने मुझे कहा कि एनीथिंग यू डू, आइदर यू आर डूइंग टेक्नो मैनेजमेंट, दैट इज अगर आप प्लांट में हो तो आप टेक्नो मैनेजमेंट कर रहे हो. If you are in this field, जिसमें आया मैं, तो आप कॉरपोरेट मैनेजमेंट कर रहे हो और मैनेजमेंट कर रहे हो सिंपली. तो ऐसा उन्होंने मेरे को कन्विंस कर लिया बहुत सारे पॉइंट्स दे के कि ये है ये है ये है. और फिर लास्ट में उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे पाजा फेंक दिया कि अब आप चूज कर लो, हम आपको प्लांट भेज देंगे. ये भोपाल प्लांट रहा हमारा, ये पीथमपुर प्लांट रहा, ये देवास, ये बक्कड़, जहाँ मर्जी जाओ. अब उनसे इंटरव्यू के बाद मैं बहुत कन्फ्यूज, क्लैरिटी आई, क्लैरिटी भी आई और कन्फ्यूज भी हो गया कि व्हाट शुड आई डू नाउ. पहले तो मैं बिल्कुल रट लगाया हुआ था कि नहीं प्लांट ही जाना है, प्लांट एकदम रगों में घुसा हुआ था कि नहीं यार, जब तक हाथ में ग्रीस नहीं लगेगा तब तक लगेगा नहीं कि मेहनत हो रही है, जब तक इंजन नहीं चलेगा, जब तक मैं इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन करके फ्यूल नहीं बचा लूंगा, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी R&D में ज्वाइन करके. ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब शार्प था इन सब चीजों में. फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा नहीं यार, सेल्स एंड मार्केटिंग को ट्राई देते हैं. मैंने कहा लेट इट बी. वहां से यू हैव स्विच्ड योर करियर इनटू कंसल्टिंग, नाउ यू आर डूइंग दिस. यस, ओके. आफ्टर कंसल्टिंग व्हाट, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स जस्ट दैट कि लोग कंसल्टिंग कर रहे होते हैं तो फिर MBA कर लेते हैं, व्हिच इज आई सपोज, क्योंकि मैं भी उसी उसमें हूं. कंसल्टिंग से MBA कर लेते हैं, देन उसका पैकेज बढ़ जाता है, दैट्स इनफ, यही तक है फ्यूचर.
हाँ, अगर आप MBA करने जा रहे हो कंसल्टिंग किया, फिर वापस कंसल्टिंग ज्वाइन कर लेगा, वही फिर वही पैसे ज्यादा पैसे कमाएगा और ज्यादा पैसे कमाएगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। हां, पर मेरा इतना सिंपल मैंने फ्यूचर नहीं बना रखा है। तो मेरा थोड़ा सा टिपिकल है, मैं अभी MBA का तो नहीं सोच रहा हूं, मैंने कंसल्टिंग ज्वाइन किया है, पर मेरे दिमाग में अभी मल्टीपल थॉट्स हैं। मतलब MBA का भी है, कुछ है, मतलब कुछ कुछ है, मतलब कुछ कुछ प्लान्स है। ओके, यू आर नॉट रिवीलिंग, फाइन, नो इशू। AI बहुत पावरफुल है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता है कि कंसल्टिंग को खाएगा, क्योंकि कंसल्टिंग इट्स अ वेरी सिंपल टर्म कि कंसल्टिंग इज हेल्पिंग। यस यस डेफिनेटली टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेफिनेटली। अब AI इज आल्सो हेल्पिंग। यस, AI इज आल्सो हेल्पिंग। तो डू यू थिंक कंसल्टिंग वर्सेस AI है? हां, नहीं मतलब उसमें भी रिलेटिव है। देखो मैं आपको बताता हूं, इन दैट सेंस क्या होगा कि अगर आप कंसल्टिंग में ही, अगर आप AI में ही कंसल्ट कर रहे हो, हां, जैसे आपको AI का नॉलेज भी है एंड यू आर डूइंग कंसल्टिंग, so then it is beneficial. अच्छा, तो consulting उसको add करेगा। जो normal नहीं, जिसको let's assume कि जिसको जो AI background से नहीं है, हाँ, जो software background से नहीं है, like you, example, if I'll say, you're from mechanical background, now you're doing consulting, yes, yes, but you don't have a software background except थोड़ा बहुत हुआ तो अलग बात। इस case में now, what's the scenario? In this scenario, we need to make us technically advanced, सबसे पहले तो, मतलब we need to learn, मतलब अगर आप consulting join कर रहे हो ना, मतलब दिस इज माय लर्निंग एंड परसेप्शन आल्सो व्हेन आई जॉइन डेलॉयट, इफ यू आर जॉइनिंग इन कंसल्टिंग देन दिस इज द मतलब अनकंडीशनल चीज होती है कि यू नीड टू बी वेरी टेक्निकली एडवांस्ड। ओके, मतलब आपको होना है, होना ही पड़ेगा। हां, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर ब्रांच और योर बैकग्राउंड एनीथिंग, बेटे किसी बेसिकली आपको हमेशा अपस्किल्स रहना ही रहना। यस यस बिल्कुल। और हमारे मतलब कंसल्टिंग में मैं और तो कंपनीज का नहीं जानता, बट डेलॉयट ऑलवेज, मतलब हमारे यहां पे एक पॉलिसी है या फिर ऐसे बोलो कि एक रूल है कि इन एवरी सिक्स मंथ यू टू ऐड स्किल्स टू योर रिज्यूमे। मतलब अगर आपका रिज्यूमे आज वही है जो छह महीने बाद है, छह महीने पहले था, तो फिर वो कंसीडर नहीं करते कि आप कुछ कर रहे हैं लाइफ के अंदर, तो वो मतलब उसमें कंप्लाई मतलब उसमें होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं हूँ तो आने वाले दो सालों में मेरे को भी मतलब सब सीखना है। दिस इज अनकंडीशनल, मतलब अनकंडीशनल इफ यू हैव टू रिमेन इन कंसल्टिंग, बिकॉज कंसल्टिंग है ना, कंसल्टिंग इज अ जॉब दैट नीड्स यू टू बी टेक्निकली एडवांस एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अभी मैं हूँ, मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, ओके, आई हैव 5000 एम्प्लॉइज इन टोटल, ओके, तो अब मेरे पास 5000 लोग पहले ही है, अब मुझे एक बंदा और लाना है कहीं से, तो आई मतलब मैं ऐसा सोचूंगा ना कि वो टेक्निकली एडवांस होना चाहिए, उसको इनसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो मैं उसको हायर करूंगा। करेक्ट, यू शुड कम एंड डू दिस फॉर अस, करेक्ट, अदरवाइज मैं तो और पैसे लगा दूं, 4 एम्प्लॉय और खड़े कर दूं, वो और आगे तक मेरे को हेल्प करेंगे, तो दैट इज द थिंग। तो ये चीज है, मतलब टेक्निकली एडवांस आई नीड टू, इवन आई नीड टू बी टेक्निकली एडवांस, हो सकता है मुझे आगे जाके सॉफ्टवेयर और AI और उससे आगे तक भी सीखना पड़े, क्या पता बहुत आगे जाना पड़े, सो आई एम रेडी टू लर्न ऑलवेज। लास्ट क्वेश्चन, डेलॉयट एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिग फोर्स में आती है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है, कितने राउंड्स होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट डेलॉयट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो किस तरह से अप्लाई करे, या वो लिंक्डइन में जिस तरह से वैकेंसी निकलती है या फिर नौकरी में जिस तरह से वैकेंसी निकलती है, अप्लाई करो, इजी अप्लाई रहता है, वैसे अप्लाई कर दो तो डेलॉयट से कॉल आ जाता है, या फिर अगर आपका रेफरेंस नहीं है, कोई डेलॉयट में वर्किंग नहीं है और आप इंटरनल रेफरेंस नहीं लगा रहे हो तो कुछ काम नहीं होता, एक वेरी बेसिक। इसमें मैं मेरा केस बता पाऊंगा, क्योंकि ये डाउट मेरे को भी हमेशा आता है, मतलब कोई भी कंपनी, मैंने आपसे पूछा था एक बार, तो ये डाउट मुझे कभी कभी रहता है कि मतलब लोग कैसे दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, मुझे भी डाउट रहता है कि कौन सी वेबसाइट्स होती है, बट हाँ मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कैसे डेलॉयट ज्वाइन किया। आई वाज वर्किंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब मैंने लिंक्डइन के थ्रू, मेरे को ये जॉब मिली थी, लिंक्डइन पर मैं किसी से बात कर रहा था हु इज पार्टनर इन डेलॉयट, और होपफुली मतलब मेरा मतलब बेसिकली यू टुक अ इंटरनल रेफरेंस एंड यू गॉट इट। हाँ, इंटरनल रेफरेंस मतलब इन द सेंस दे आस्क फॉर मी फॉर रिज्यूमे, और रिज्यूमे आई मैंने सेंड कर दिया, और विद इन 2-3 डेज मेरे को कॉल आ गया एचआर से अप फ्रंट सामने से। और कितने महीने तक ये रहा, क्योंकि मैंने सुना है कि जो बिग कंपनीज होते हैं उनका जो हायरिंग प्रोसेस है बहुत लंबा होता है, वो बहुत स्लो होता है, बहुत लंबा होता है। इट हैज टेकन मी 6 months। 6 months बीच में आप होप नहीं छोड़ते कि भाई साहब होने इनको है? इसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड माइनस कर सकते हैं आप, जो मैंने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में दिया था, ओके, रेस्ट ऑफ द दे हैव टेकन 3 months। Okay. Because nice. Four rounds se, there were 4 rounds. First one is simple HR, जिसमें वो simple पूछते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, आप कौन हो, क्या हो। Second is technical, जो कि आपको proper call आएगा. That is from a lower management people, like manager से आएगा. दूसरा call आपको director partner से आएगा. That is higher management people. और फिर उसके बाद आपको एक HR round देना होगा, जिसमें negotiations and etc. होते हैं.
तो ये चार राउंड तीन महीने चले थे मेरे. फॉर मी इट टुक 3 months, फॉर सम पीपल इट मे टुक 15 डेज और 1 month. डिपेंड ऑन अ प्रोफाइल. हां, डिपेंड ऑन द प्रोफाइल एंड द मतलब कितना फ्रीक्वेंटली उनको रिक्वायरमेंट है. करेक्ट. सॉरी, जैसे फॉर मी उनको रिक्वायरमेंट फरवरी में था मे बी. हां, सो दे मेक मी वेट फॉर 6 months. सो इन दैट वे. नाइस, थैंक यू सो मच नवीन. आई होप आपको अच्छा लगा बात करके. मजा आ गया. थैंक यू सो मच. टेक केयर.